हेलो बच्चे, वेलकम टू स्कॉलर्स प्राइड कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। मैं राजविंदर सिंह, ते अज मैं तुहानूं करवा रहा क्लास 10th द चैप्टर 6 ट्राइएंगल्स द एक्सरसाइज 6.2 द सेकंड सम। तो चलो बच्चे देखते हैं सेकंड सम दे विच सानूं की उन्होंने दस्या। हाँ जी, तो बच्चे सेकंड सम दी आपां स्टेटमेंट नूं रीड करते हैं। देखो, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑन ए ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैलर क्यू आर। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सब तो पहला मैं तुहानू कुछ समझावांगा, उस तो बाद मैं ये जो फॉर्मूले विच थ्री सम उन्होंने दिते ने इनू सॉल्व करांगे। तो बच्चो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दे विच एक उन्होंने ट्राइएंगल पी क्यू आर, ये मैं ट्राइएंगल ड्रा की थी, इसका नाम है पी क्यू आर। क्या क्योंकि उन्होंने ट्राइंगल पी क्यू आर और स्टार्टिंग तो उन्होंने क्या ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। ए पी जो पॉइंट है ए कॉमन आ गया, इस करके आप पी नू ऊपर लिखांगे पी क्यू आर ट्राइंगल बन गई। और ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू, जो ई पॉइंट आ वो पी क्यू साइड दे इत्थे ने और जो एफ ने वो पी आर दे इत्थे आ। हाँ जी बच्चे, इस दे विच सानूं उन्हां ने की प्रूव करन वास्ते किया, उन्होंने सानूं ये कहा ने कि ई एफ पैरेलल क्यू आर, एक ई एफ लाइन जिहड़ी हैगी ई एफ पैलर क्यू आर, ई आपां प्रूव करनी आ कि जिहड़ी ई एफ पैलर क्यू आर दे है जां नहीं। ई जो तीन सम दिते ने इन्हां दी वैल्यू जदों आपां इस ट्राइएंगल दे विच पुट करांगे ते उस नूं सॉल्व करन तों बाद सानूं पता लगेगा कि ये जिहड़ी ई एफ क्यू आर दे पैलर है कि नहीं। और इस तो अगे मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि ये जिहड़ी चीज ई एफ पैलर क्यू आर आ ये कदों हुंदी आ। 6.2 थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जिस दे विच मैं तुहानूं पहला वीडियो च दस चुका नहीं कि किसे ट्राइएंगल दी लाइन, किसे ट्राइएंगल दी किस लाइन दे पैलर कदों होएगी जिस टाइम दे उत्ते उस ट्राइएंगल दियां दो जो लाइना ने वह सेम रेशो दे विच होणगियां। तो जेकर इस पी क्यू ट्राइएंगल दी पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर, ए कंडीशन दे विच जे साडे कोल कोई चीज आ जांदी तां फिर जिहड़ी ई एफ आ ओह क्यू आर दे पैरेलल होगी। ते इह जो मैं रूल इत्थे तुहानूं दस्सिया ने इह कित्थों आया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और उस नूं आधार मानदे होए इह सवाल आपां सोल्व करांगे। तो चलो बच्चो सब तो पहला आपां फस्ट सवाल नूं सोल्व करदे हां। तो बच्चे देखो मैं किवें पहला एक ट्राइएंगल पी क्यू आर ये मैं ड्रा की, इसका पी क्यू आर नाम रखा और इत्थे ई और इत्थे एफ पॉइंट मैं देते, क्योंकि पी के ऊपर ई पॉइंट आ पी आर ऊपर एफ पॉइंट। तो हुण फस्ट जो साडा सामने उसकी जो वैल्यू आ वो आपां पुट करांगे। तो इस ट्राइएंगल दे विच पी ई दी वैल्यू सानू 3.2
9 सेंटीमीटर दी है, तो मैं इतने 3.9 सेंटीमीटर और EQ की वैल्यू सानू 3 सेंटीमीटर दी। उस तो बाद सानू PF की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर और FR की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो बच्चे इसको किवें सॉल्व करना, ये आप चीज पता करनी है कि EF जी QR दे पैरेलल। तो सब तो पहला आप इस लिख सकते हैं गिवन इन ट्राइएंगल PQR PE इज इक्वल टू 3.9 cm, PQ इज इक्वल टू 3 cm, PF इज इक्वल टू 3.6 cm, FR इज इक्वल टू 2.4 cm। ता आपां इस दे विच प्रूव की करना, आपां प्रूव करना EF पैलर QR जस और नो। तो केवे प्रूफ आप बनावांगे, हाँ जी देखो बच्चे सब तो पहला आप लिखांगे PE और EQ, इसकी वैल्यू 3.9 ओवर 3। हाँ जी, तो बच्चों इस पॉइंट को कैंसल करने वास्ते की करांगे आपां n, मैं दोबारे इत्थे लिख देना, ये पॉइंट कैंसल करके मैं n लगाया, तो 3 × 3 = 33 × 39, तो साढ़े को 13/10 और इस रेस्ट भी आप लिख सकते 1 3, ये साढ़े को फर्स्ट इक्वेशन। तो उस तो नेक्स्ट PF और FR, इसकी वैल्यू आप 3.6/2.4। तो इसी तरह आए जो पॉइंट इन आप कैंसल करना, तो फिर जो कि करा 3.6/2.4 10 आप उपर और 10 ये पॉइंट कैंसल करके 10 × 10 कैंसल हो गए, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24, तो साढ़े को की आ गया 3/2, ये साढ़े को सैकंड इक्वेशन होना। तो बच्चे देखो फर्स्ट इक्वेशन और सैकंड इक्वेशन इन्हों दोवों के इक्वल आ कि नहीं इक्वल, ये देख लो ये जो 3/2 है इसको आप अगे डिवाइड करके 1.5 इन फिर टू इक्वेशन दे सकते, 1.5 दे सकते, क्योंकि दोनों इक्वेशन आप पॉइंट दे विच लिया सकते हैं। तो बच्चे इन फर्स्ट और सैकेंड इक्वेशन तो ये दोनों साढ़े को की ने नॉट इक्वल। तो कन्वर्स ऑफ पीपीटी दे विच जे साइडां दा रेशियो इक्वल नहीं आउंदा तो साइड जिहड़ी हैगी ओह पैरेलल नहीं हुंदी। तो की आपां करांगे फ्रॉम 1 और 2 तो 1 दी हैगा पीई ओवर ईक्यू नॉट इक्वल पीएफ ओवर एफ आर, की लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपी टी ईएफ नॉट पैरेलल क्यू आर। ये तुहाडा बच्चो फर्स्ट सम सी जो सॉल्व किया, इस दे विच जिहड़ी EF आ नॉट इक्वल QR दे। तो चलो बच्चे उस तो बाद आपां
नेक्स्ट करते हैं सेकंड। तो सेकंड दे विच फिर उस तरह ही हाँ जी मेरा सेकंड मैं फिर एक ट्राइंगल पी क्यू ड्रा की और उस तरह ही इसके उपर इत और इतने एफ। तो सैकेंड के साथ को पी ई जो ने वो की आ 4 सेंटीमीटर और क्यू ई साढ़े को 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ साढ़े को ने 8 सेंटीमीटर और आर एफ साढ़े को ने 9 सेंटीमीटर। हाँ जी बच्चे किवें गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी ई इज इक्वल टू 4 सी एम ई क्यू इज इक्वल टू 4.5 सी एम पी एफ इज इक्वल टू 8 सी एम एफ आर इज इक्वल टू 9 सी एम। टू प्रूव ई एफ पैरेलल क्यू आर जस और नो ई आप प्रूव करना। तो फिर प्रूफ हाँ पी ई और ई क्यू वैल्यू पुट करिए 4/4.5 पॉइंट नू कैंसल कर ली मैं 10 लगाया। हाँ तो कैंसल करिए किस तरीके चाहे कैंसल होगा जी 5945 और 5 to 10 और साढ़े को की आ गया 4 to 8/9 ये साढ़े को फर्स्ट इक्वेशन बन गया। तो नेक्स्ट पी एफ ओवर एफ आर वैल्यू पुट की थी 8/9 तो ये कैंसलिंग भी है ऐसे ही साढ़े को सेकंड इक्वेशन बन। तो देखो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों की है इक्वल। तो फिर आप की इतने लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर। हाँ तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी हूँ रेशियो जो साढ़े को ने इक्वल आ गए। तो जो रेशियो इक्वल हो जी लाइन वो पैरल होंगी है देयरफॉर ई एफ पैरल क्यू आर। तो ये बच्चे थोड़ा सैकेंड सम से। तो चलो नैक्सट आप हम देखते हैं थर्ड सम। तो बच्चे थर्ड सम दे विच सानू किवें वैल्यू उन्होंने दिती आ थर्ड मैं ड्रा कीती ट्राइंगल पी क्यू आर। हाँ तो बच्चे इस दे विच सानू वैल्यू पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर। हुण इत्थे मैं उस तरह पॉइंट ले ले ई और एफ। तो थर्ड सम दे विच सानू पी क्यू दी वैल्यू दित्ती आ देखो पी क्यू ये टोटल इतों तक वैल्यू
1.28 सेंटीमीटर। उस तो बाद सानू पी आर की वैल्यू दिती है 2.56। देखो बच्चों पी आर है पूरी इतों तक सानू दिती है 2.56 सी एम। नैक्सट पी ई की वैल्यू दिती है 0.18 पी ई 0.18 सेंटीमीटर। और पी एफ की वैल्यू दिती है 0.63 पी एफ की 0.63 सेंटीमीटर। हाँ तो बच्चों सब तो पहला किवें सॉल्व करना, तो जिवें बच्चों मैं तुहानू उपरले दोनों ही सम दे विच गिवन और टू प्रूव लिख के दिता, सेम इस तरह ही इस दे विच तुसीं लिखना। तो हुण मैं इस सवाल नू प्रूफ तो ही स्टार्ट करांगा। जो गिवन आ टू प्रूव आ वो तो तुहानू पता ही नहीं कि टू प्रूव विच आपां ईएफ क्यू आर ही पैलर है या नहीं ये प्रूव करना। तो किवें बच्चों सब तो पहला आपां देखना इस दे विच सानू पी क्यू दी वैल्यू दित्ती और पी ई दी दित्ती है, साडे कोल पी क्यू दी वैल्यू है नहीं। तो प्रूफ दे विच आपां सब तो पहला ई क्यू दी वैल्यू जिहड़ी आ उह आपां लभांगे। तो ई क्यू दी वैल्यू किवें लभांगे, साडी साडे कोल हैगी आ पी क्यू, इस दे विचों आपां माइनस कर दांगे पी ई। तो साडी सानू दित्ती आ 1.28, इस दे विचों आपां माइनस करांगे 0.18। तो माइनस करना 1.28 0.18 0.11 कितना आ गया साढ़े को 1.10। उस तो बाद को एफ आर की वैल्यू सेम इसे तरह ही किवें पूरी साढ़े को पी आर आ उसने ही पी एफ जी माइनस करांगे। तो पूरी साढ़े को पी आर कितनी आ 2.56 माइनस करती 0.63 2.56 विचों 0.63 माइनस करांगे। तो 3 15 6 9 1 तो कितनी साढ़े को वैल्यू आ गई 1.93। ये जिहड़ियां सानू वैल्यू नहीं सी दित्तियां वो आपां फाइंड कर लईआं। तां हुण नैक्सट बच्चो इस नूं किवें सॉल्व करना, देखो फिर उसे तरह ही पी ई और ई क्यू वैल्यू पुट करते हैं। हुण साडे कोल पी ई दी वैल्यू किन्नी आ 0.18 और आपां ई क्यू दी वैल्यू जिहड़ी आ उह कित्थे कड्डी ने ए 1.10। तो बच्चों इनू पॉइंट तो अगे 2 डिजिट इस तरह ही पॉइंट तो अगे 2 डिजिट, तो इन्हां नूं आपां कैंसल करना ने। आपां इस तरीके नाल कर सकते हैं 0.18 वन पॉइंट नहीं लगाना इत्थे 2 डिजिट 100 लग गया और इसका भी 100 ये कैंसल हो गए और ये किस ते कैंसल होंगे 2 दे 2 9 18 2 5 10 वन कैरी 5 10 तो साडे को कितना आ गया 9/55 के साडे को फर्स्ट इक्वेशन बन गया। तो नेक्स्ट पी एफ और एफ आर, तो पी एफ की वैल्यू साडे को हैगी आ 0.63 और एफ आर की वैल्यू असी कितनी फाइंड की थी 1.93। तो उस तरह पॉइंट हटाने लिए उपर 100 ये कैंसल हो गए साढ़े को बच गया। बच्चे ये कैंसल नहीं होंगे तो ये सैकेंड इक्वेशन बन गई और फर्स्ट और सैकेंड इक्वेशन इक्वल नहीं है। तो फ्रॉम 1 and 2 पी ई और ई क्यू
not equal PF over FR by converse of EF not parallel QR. ए बच्चों तुहाडे चैप्टर 6 दे एक्सरसाइज 6.2 दा सेकंड सवाल दे 3 सम सी जेडे आपां सॉल्व कीते। तो बच्चों इन्हां नूं ध्यान दे नाल तुसीं वीडियो च देख लेना। जेकर किसी चीज़ की तुहानूं प्रॉब्लम आउंदी आ तां तुसीं मैनूं इस चैनल दे विच कमेंट करके पुछ सकदे आ जी, मैं तुहानूं उसका आंसर दवांगा। तो वीडियो वधिया लगी तां शेयर और लाइक करना और इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।